स्टूडेंट्स, वॉयस के चैप्टर में आज तैतालीसवां दिन। हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं जी? तैतालीस यानी 43rd डे। ठीक, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर का चक्कर होता है। जैसे आप तैतालीसवां कह रहे हो तो इंग्लिश में क्या करना चाहिए? 43 डे नहीं कहना चाहिए, 43rd कहना चाहिए। थर्ड क्या होता है बोलो? ऑर्डिनल नंबर होता है। थ्री क्या होता है? कार्डिनल नंबर। ये सब जानकारी रखनी चाहिए, पढ़ाया हम आर्टिकल के चैप्टर में ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर सब पढ़ाया। अब चलते हैं हम एक मिनट में, जो पीछे कंप्लीट सेंटेंस से संबंधित जो क्लास हो चुका है चर्चा कर दे रहा हूँ। तो पार्ट वन में भी क्या था? कंप्लेक्स सेंटेंस। तो पार्ट वन में पीसी प्लस नाउन क्लास की चर्चा हो गई, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा। टू में भी पीसी प्लस नाउन क्लास, थ्री में भी पीसी प्लस नाउन क्लास। अंतर क्या है भैया? पार्ट वन में आपने देखा कि जो सब्जेक्ट हैं प्रिंसिपल क्लास और नाउन क्लास के, दोनों क्या हैं? डिफरेंट है। पार्ट टू में देखा कि दोनों सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है, अरे सॉरी सेम है, गलत बोल गया। पार्ट वन में डिफरेंट है और टू में सेम है, और थ्री में डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो ये भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। जब तक इसको आप सब्जेक्ट को नहीं समझोगे तब तक आप बना नहीं पाओगे। अब जैसा कि मैं पिछले क्लास में ही बोल दिया था कि नाउन क्लास के अलावा कुछ और एडिशनल क्लास इसमें आते हैं, तब आप क्या करोगे? यानी प्रिंसिपल क्लास के साथ केवल एक ही क्लास नहीं बल्कि एक से अधिक क्लास जुड़ते हैं तो क्या करोगे? बशर्ते सेंटेंस क्या होना चाहिए? हमारा कॉम्प्लेक्स ही रहना चाहिए, कंपाउंड नहीं। कंपाउंड मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स ही रहना है। अब आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखो, एक पीसी ले लो, मान लीजिए कि हम पीसी ले लेते हैं। पीसी के बाद एक नाउन क्लास जोड़ देते हैं और इस नाउन के क्लास के बाद कोई और क्लास हम लेना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि वह क्लास कौन हो सकता है? तो थोड़ा क्लास का भी चैप्टर है ये, हैं? प्रिंसिपल क्लास के साथ अगर नाउन क्लास है और इसके बाद कोई क्लास और लेना चाहते हो तो वह क्लास एडवर्ब क्लास होगा। क्या होगा? एडवर्ब क्लास होगा, ध्यान देना इस बात का। एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, एडजेक्टिव क्लास नहीं हो सकता। अब एक चीज और सुन लो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब भी एक्टिव से पैसिव बनेगा केवल नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास के साथ ही बनेगा, एडजेक्टिव क्लास के साथ ही बनेगा। कान खोल कर सुन लेना। तो पढ़ाने को तो लोग पढ़ा देते हैं कि काजी पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? जब तक आप इसको नहीं समझोगे कैसे करोगे? तो बस स्टूडेंट क्या होता है, रट्टू तोता बन जाता है। बस सेंटेंस आता है, एक नियम पढ़ लिया और उसके हिसाब से कर लिया, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको पूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर अभी तक यही पढ़ते आए हो, पार्ट वन में भी यही, पार्ट टू में भी, पार्ट थ्री में भी यही, कंडीशन तीनों की अलग अलग रही है। अब यहाँ पर हम अगर कोई क्लास जोड़ना चाहते हैं तो वह क्लास हो जाएगा एडवर्ब क्लास। क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लास। सी एडीबी शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडीबी क्या ले रहा हूं भैया? शॉर्ट में और क्लास का सीएल ले रहा हूं, ये एडवर्ब क्लास का सब फॉर्म है। ओके, अब एग्जांपल से ही पता चलेगा। ठीक, ये एक्टिव सेंटेंस का क्या जी? एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। हम साथ में पहले बता रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होने वाला है। स्ट्रक्चर को आपको समझना है। मान लीजिए कि तीन सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक जी, तीन
सेंटेंस लेते हैं एक एरिया वी इनफॉर्म्ड, वी इनफॉर्म्ड हिम, और दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं हम ही कुड नॉट सेल द लैंड, और तीसरा सेंटेंस ले सकते हैं हिज फादर, समझे, अब यहां पर देखिए हिज फादर हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं है क्या करेंगे, तीनों पास्ट में लेंगे, देखिए यहां पास्ट हम यहां भी और यहां भी हम पास्ट में ले रहे हैं, तो हैड ऑलरेडी हिज फादर हैड ऑलरेडी सोल्ड द लैंड, ये सर तीन सेंटेंस हम ले रहे हैं, आपको कंबाइन करना है, इसका इसे सिंथेसाइज करना है, यानी सिंथेसिस के अंतर्गत आएगा, तो अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए फायदेमंद है, अब ये तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, चलो जोड़ दिया, मैं जोड़ने जा रहा हूं, आप चलो इसमें से आपको चुनना होगा किसे हम प्रिंसिपल क्लास बनाए, किसे नाउन क्लास बनाए या किसे एडवर्ब क्लास बनाए, सुनिए तो नाउन क्लास का फंक्शन क्या है भैया, वह प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट बनता है, ओके तो जो प्रिंसिपल क्लास की क्रिया है हमारी ट्रांसटिव है, क्या है, ट्रांसटिव है, तो इस क्लास को हम इसको हम प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं, क्या करते हैं इसको प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं, पहले सेंटेंस को भाई कोई ना कोई सेंटेंस तो प्रिंसिपल क्लास बनेगा ही, अगर हम इसको प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे तो सेंटेंस जुड़ नहीं पाएगा, इसको भी बनाएंगे तो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये पहला सेंटेंस है कि हम उसे सूचित कर दिए ही कुड नॉट सेल द लैंड, वह जमीन नहीं बेच सकता था, हिज फादर हैड ऑलरेडी सोल्ड द लैंड, उसके पिता ऑलरेडी जमीन को बेच चुके थे, तो अब यह ट्रांसटिव वर्ब है, अगर इसके साथ कुछ जोड़े हुए ध्यान दीजिएगा, तो प्रिंसिपल क्लास के साथ तो आप एडजेक्टिव क्लास भी बना के जोड़ सकते हो, एडवर्ब क्लास भी और नाउन क्लास भी, ठीक, अब इस सेंटेंस को समझना है ही कुड नॉट सेल द लैंड, तो अभी तक जो ऊपर से पढ़ते आए हो क्या पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वही रूल लागू करो, इसी प्लस एनसी, तो इस एनसी को क्या करो ये ऑब्जेक्ट बना, इसको एनसी बनाकर ऑब्जेक्ट बना, क्या कर दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इसी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ पीसी बना दो, बना दिया, इसका मतलब इसे प्रिंसिपल क्लास और इसे एनसी बना दिया, यहां सवाल किसका काम किया ऑब्जेक्ट का, अब बच रहा है ये, तो इतना काम तो हम कर लेते हैं, इतनी बातें आप पढ़ चुके हो, तो इतनी बात पढ़ चुके हो तो मैं कर देता हूं वी इन फॉर्म्ड हिम, अभी लास्ट वीडियो में मैंने यही पढ़ाया था, लास्ट क्लास में किसमें थी पार्ट थ्री में, कि इस तरह के सेंटेंस में भैया हिम क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हिम क्या होगा भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब
सीएनसी का प्रयोग कर दो आप डायरेक्ट ऑफसेट के स्थान पर, तो क्या करता हूँ कि इसको डायरेक्ट ऑफसेट बना देता हूँ। तो जब डायरेक्ट ऑफसेट बढ़ाऊंगा तो यहाँ से इसको लिखूंगा कूड नॉट शोल्ड द लैंड, हो गया एनसी। तो यह हम बनाने जा रहे हैं इसको इनडायरेक्ट ऑफसेट, क्या बनाने जा रहे हैं इनडायरेक्ट ऑफसेट। तो इनडायरेक्ट ऑफसेट ऑफसेट होगा कौन नाउन क्लास, तो किससे जोड़ेंगे कंजक्शन दैट से। यहां तक आप पढ़ चुके हो, देखो सीक्वेंस में चल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी इंग्लिश समझना है तो आपको जड़ से यानी पहली वीडियो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं तो अब मेरी इंग्लिश समझ रहा है कि नहीं, तो नहीं समझ रहा है। वास्तव में इंग्लिश आसान भी है और टफ भी है भाई, पढ़ने वाले जो सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो बहुत ईजी है, और आप चाहते हो ना कि बीच में वीडियो खोल करके आप तुरंत पढ़ लें और समझ जाए और सेलेक्ट हो जाए तो बहुत टफ है। चलते हैं भाई, यहाँ पर हम डर का प्रयोग कर देते हैं। आप बताइए डर का प्रयोग कर दिए तो एनसी की लंबाई यानी नाउन क्लास की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गई, क्योंकि कंजक्शन भी उसी का हिस्सा है। अब बचाइए सेंटेंस, इसको पहले आप मीनिंगफुल करिए अर्थात इसको ट्रांसलेट करिए। वी इन्फॉर्म हिम, मैंने उसे सूचित किया, तो मैंने उसे सूचित किया, मैंने उसे सूचना दिया, किस बात की भैया, जिस बात की हुआ है ना, गलत हो गया ना, सॉरी दोनों जगह इनडायरेक्ट, क्या बैठे हो भैया, दोनों जगह गलती से इनडायरेक्ट लिख गया डायरेक्ट, देखा करो यहाँ डायरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट है तो ये क्या होगा डायरेक्ट है, केयरफुली बैठो। हाँ तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब चलो भैया इतना तो आप पढ़ चुके हो, कल के ही क्लास में इतनी बातें पढ़ चुके हो, अब हम क्या करते हैं इसकी चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है। His father had already sold the land. तो यहाँ का ऑब्जेक्ट भी लैंड है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट यानी सेल का ऑब्जेक्ट लैंड है, बोलिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सेल का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अच्छा और ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों चीजें सेम है ठीक ना। एक में हमने लिख दिया तो दोबारा ये लैंड लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि इसे हम क्या बना सकते हैं, दोबारा नाउन क्लास नहीं बनेगा, कंटिन्यू दो नाउन क्लास नहीं आ सकते, कंटिन्यू दो नाउन क्लास नहीं आएंगे ठीक ना। कंटिन्यू कोई भी क्लास रिपीट अगर होता है तो प्रिंसिपल क्लास रिपीट होता है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो नाउन क्लास रिपीट मतलब होगा कंटिन्यू होगा ना, एडजेक्टिव क्लास और नहीं एडवर्ब क्लास, हाँ प्रिंसिपल क्लास होगा कहाँ पर मिक्स्ड सेंटेंस, जब मिक्स्ड सेंटेंस आएगा तो वहां पर दो प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी, क्योंकि उस मिक्स्ड सेंटेंस में एक कंपाउंड सेंटेंस होता है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जब जोड़ोगे तो एक कंपाउंड का प्रिंसिपल क्लास आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा ठीक ना। उस पर ही भी एक वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा वॉइस। तो अब चलिए यहां पर हम अगर ये तीसरे को जोड़ते हैं, हिज फादर हैड ऑलरेडी सोल्ड, इसका मतलब उसके पिताजी पहले ही उसे बेच चुके थे, हम लोगों ने उसे सूचित कर दिया कि तुम नहीं बेच सकते हो भैया, क्या क्योंकि तुम्हारे बाप ने पहले ही से बेच रखा है उस जमीन को जिसको हम लेना चाहते थे, हम लोगों ने उसे सूचित कर दिया कि वह जमीन नहीं बेच सकता है क्योंकि उसके पिताजी उसे अब दोबारा लैंड नहीं यानी उस जमीन को अर्थात उसे पहले ही बेच चुके हैं। तो है ट्रांसलेशन होगा, वास्तव में मैं यहाँ है लिखने जा रहा था इसलिए नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक ना। यहाँ
हर लिखने का मतलब तो मुझे यहाँ कह लिखना पड़ता है, ध्यान देना। कल बताया था ना ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है, क्या होता है, तो इसमें अगर पास्ट टेंस है, मैं खुद सुन लो यहाँ का है कैन नॉट है, तो जब इसके साथ जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल क्लास का जो क्रिया होगी कहाँ गया, ये इन्फॉर्म, ठीक ना। पास्ट टेंस में है तो कैन नॉट को हमको कुड नॉट में बदलना पड़ेगा, और अगर यहाँ हैज है तो हैज को हमें हैड करना पड़ेगा, यही रूल होता है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, सर वाइस पढ़ाते हैं, नरसर पढ़ाते हैं, लपेट देते हैं तो क्या पढ़ा जाओगे, इसीलिए मैं पहले से ही लिख दिया, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम जोड़ते हैं, तो बताइए ये क्या है, ये वाक्य इस वाक्य का रीजन है, बढ़िया है कि नहीं। वो कह रहा है कि हम लोग उसे सूचित कर दिए कि वह जमीन नहीं बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पिताजी जमीन को पहले से ही बेच चुके हैं ट्रांसलेशन होगा थे नहीं, इसका मतलब कि यह है इसका रीजन भाई, क्यों नहीं बेच सकता है, तो क्यों नहीं बेच सकता है, कारण है कि उसके पिताजी, तो कारण बताने वाला क्लास हमेशा एडवर्ब क्लास होगा, एवरी बस यही जानी है, यहीं तक जानी है, क्लास का चैप्टर अलग है, हैं बहुत बेहतरीन तरीके से दूंगा आपको। तो कारण बताने वाला क्लास हमेशा क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा, उसे कहते हैं क्या जी, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। तो इसका मतलब क्योंकि का भाव आ रहा, तो क्योंकि का भाव आ रहा है तो यहाँ हम जोड़ देते हैं, विकास तो आ ही जाएगा भैया, विकास है क्या, विकास से जोड़ देते हैं, और विकास से इस सेंटेंस को हम देख देते हैं, तो ही इज फादर हायर, ठीक है, और इसको उतार दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सोल्ड। आप बताइए दोबारा हम लैंड लिखेंगे नहीं, तो ग्रामर के नियमानुसार जब ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो पहला नाउन है तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोनाउन, तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लैंड क्या है, सिंगुलर नंबर नाउन। बोलिए अब ये विकास से लेकर और कहा था कि हिज फादर है ऑलरेडी सॉरी, तक ये बन गया आपका एडवर्ब क्लास। तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही है, देखिए प्रिंसिपल क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, ठीक है ना, ये है, तो ये प्रिंसिपल क्लास हुआ, ये नाउन क्लास हुआ, और ये जो आपका लास्ट वाला ये वाला यहां लिखा नहीं हूं, क्या हुआ भैया, एडवर्ब क्लास। अब ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसे अगर आपको बनाना आता है तो क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल नियम है जो कल बताया इसको मिटा देगा, ये देखिए ये हमने सेंटेंस जो कंबाइन किया किस फॉर्म में है, एक्टिव, तो यहां कंबाइन सब हटा दिया, तो आपको सिखाने के लिए क्या किया, आप रीराइट कर लेना, आप इसे उठा करके ऊपर लिख लेना, और यहां क्या करना भैया, एक्टिव सेंटेंस लिख लेना, क्या लिख देना, एक्टिव सेंटेंस लिख देना, ओके। अब इसका पैसिव बनाना है, मैं उल्टा कर रहा हूं आप सीधा रखना, मैं उल्टा कर रहा हूं नीचे से ऊपर, ठीक, क्योंकि नीचे जगह नहीं तो आप काफी मत उल्टा कर देना आप सीधे जाना नीचे, ठीक है ना। शुरू करते हैं, करना कुछ नहीं, जो नियम मैंने कल के क्लास में बताया था, जितनी भी इसमें ट्रांसटी वर्ब है सबके साथ एक्टिव से पैसे बनाना,
तो इस तरह से सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, अभी तो कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, यही नियम लागू होगा कंपाउंड में भी, यही नियम लागू होगा मिक्स्ड सेंटेंस में। मैं अलग अलग क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि भैया कंप्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कौन कौन क्लास आते हैं, उनको बारीकी से समझो, इसलिए। नहीं तो मैं भी एक ही वीडियो में बना कर लपेट देता, तो लपेट करके पढ़ाने की तो आदत है ही नहीं, क्योंकि वीडियो मेकर हूँ ही नहीं ना भैया। तो क्या करो, बना डालो, बोलो ट्रांसीवर है, यहाँ इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खुद में एक क्लास है। तो जब खुद में क्लास है इसमें जुड़ो, बोलो ट्रांसीवर है और बोलो ऑब्जेक्ट है, ओके। तो एक पैसी यानी ये जो एक्टिव सेंटेंस में जो प्रयुक्त क्रिया है वो एक्टिव फॉर्म में कहलाएगी, उसे एक्टिव वर्ब कहते हैं। तो एक एक्टिव वर्ब यहाँ मिला और दूसरा एक्टिव वर्ब यहाँ मिला और तीसरा ढूंढो विकास के बाद, तो ये चौथा मिला ट्रांसिटिव और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ, बोलो है कि नहीं। तो कुछ नहीं, सिंपल बात, तीनों क्रियाओं के साथ प्राप्त, बस सावधानी ये बरतनी है बाई एजेंट, वहीं पर गलती होती है कि बाई एजेंट का प्रयोग आप कब और कहाँ करोगे। चलो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, कल भी कल क्लास में भी सिखाया ना, तो आज भी सीख लो। ये सीखना एक तरह से ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली करके मैं दिखा रहा हूँ, या आपके विवेक पर निर्भर करेगा, कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है इसमें कि यहाँ लग जाएगा वहाँ लग जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, इसको उठाएंगे, बोलिए सब्जेक्ट बनाएंगे, बना दिया क्या, ही वाज इन्फॉर्म्ड बना दिया। आप बताइए यहां वी है, तो हम वी को बाई एजेंट बनाए कि नहीं बनाए, निर्णय लेना है, बनाएंगे तो क्योंकि इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वी द्वारा। वी क्या कर रहा है, क्रिया को क्रियान्वित कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, इस क्रिया को क्रियान्वित कर रहा है, सूचना देने का काम कर रहा है, किसके लिए, हिम के लिए। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट अलग है बाकी से, तो क्या करेंगे हम, बाई एजेंट लगा देंगे, वी ही वाज इन्फॉर्म्ड बाई अस, लगा दिया, ओके। अब चलते हैं, समझ गए ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, अभी नहीं बाई अस को डाले कैलाश में ले जाओगे, नहीं, प्रिंसिपल क्लास का हिस्सा है ये, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यह आप ऑब्जेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं भैया, यहां पर दैट का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहां देखो, ही कूड नॉट सोल्ड द लैंड, यह ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, बना दिया द लाइन। अब कूद तो कूड़ ही रहेगा, दो चेंज, बाड़ा का चैप्टर पढ़ो, इसी में यूनिट पढ़ो, चैप्टर तो वाइस है मॉडल के साथ जो क्लास लिया, तो सेम रहेगा, बोलो रहा कूड नॉट कभी बी लगाओगे कि नहीं, भाई ही वाज इन्फॉर्म्ड, पास्ट इनफिनिट, पास्ट इनफिनिट तो वाज लगा, अब ये क्या है, कुड नॉट एक्टिव में, तो कुड नॉट बी लिखोगे ना, अरे यार पैसिक बना रहा है पर बी पर तो है, हाँ
कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे क्यों लिख रहे हो? तो एक एडिशनल वर्ब बढ़ेगा ना, किसका? पैसिव वाला। ये तो एक्टिव पूछा जा रहा है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं एक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में वाज आ रहा है, सॉरी पैसिव फॉर्म में वाज आ रहा है। तो ये जो वाज है एक्टिव फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि पैसिव फॉर्म का। यहाँ का पूज है किसका हेल्पिंग वर्ब है? एक्टिव फॉर्म का। तो पैसिव फॉर्म का जब एक्टिव फॉर्म में पहले से ही जो है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो पैसिव में तो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब आना तय है, यही तो बेस है वाइस का। तो पहले से कूट लगा है, इसका मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगा। यहाँ क्या है जी, कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो जब हो ही नहीं तो लगा दो, देख लिया ना। अब यहाँ पर एक एडिशनल आ गया, तो द लैंड कूड नॉट बी सोल्ड, ठीक है, अब सोल्ड। मैं कल कहा था कि जो जानते हो उसके अनुसार चलो, ज्यादा सोचोगे तो यहाँ फंस जाओ। क्या जानते हो यार? भाई जन बना दो, भाई जन लिख लो, मन तो करोगे ना, या कच्चा कार करोगे, रफ करोगे ना, क्या करो? बाई ही कर दिया। तो पहली दफा तो ये कर लो, जैसे जानते हो नियमानुसार करते चलो। अब आते हैं हम वर्ब का विकास। विकास क्या भैया? हिज फादर हायर्ड ऑलरेडी। बोलो तो हायर तो एक्टिव फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब, तो यहां भी एडिशनल हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसे में। क्या नहीं, बीन। क्या लगा दिया? बीन। उसके बाद शोल्ड। एक मिनट, सॉरी गलती हो रहा, गलत हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा विषय, पैसे लिखना था ना, कहाँ गया? इट, इट लगा ना, इट ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? बिकॉज इट हायर्ड ऑल, ठीक है जी, ऑल रेडी बीन सोल्ड बाई हिज फादर। तो जो तुम जानते हो पढ़ते आए हो बना, लेकिन बनाने के बाद छोड़ना, ये बात ध्यान देना, तुरंत ओके मत करना, पढ़ लो। मतलब बाई एजेंट का प्रयोग किसका करें किसका नहीं करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पढ़ लो यार, इसको पढ़ो। हमने उसे सूचित कर दिया कि वह जमीन नहीं बेच सकता है क्योंकि उसके पिताजी उसे, ठीक है ना, पहले से ही बेच दिए हैं, या पहले ही बेच दिए। अब इसका हमारे द्वारा वह सूचित कर दिया गया कि उसके द्वारा जमीन नहीं, देखो वहां से निकाल रहा कि, इसीलिए मैं कहा हूं कि मीनिंग हमेशा बाई एजेंट से शुरू किया करो, तब भी फायदे में रहोगे, नहीं तो उल्टा पुल्टा करोगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बाई एजेंट जो बन रहा वही तो क्रिया का रियल सब्जेक्ट हो गया है, ठीक ना भैया? तो भैया आज नया नया खोले हो तो थोड़ा सा टहल जाना और पीछे चले जाना, तब मेरी इंग्लिश समझ में आएगी, ठीक ना जी? तो यहाँ से शुरू करोगे कि काली हमारे द्वारा उसे सूचित किया गया कि उसके द्वारा जमीन नहीं बेची जा सकती है क्योंकि वह, इनका क्या मतलब होगा यहाँ, वह उसके पिता द्वारा पहले से ही बेच दी गई है।
सब बताओ। इसमें हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि बाई हिम जो लगा हुआ है जरूरी है कि नहीं जरूरी अभी ये रोज खाली हो गया था यार क्या है ठीक है ना चलो गर्मी लग रही है। हाँ अब ये मेरा प्रश्न ये है कि बाई हिम को लगाया जाए कि नहीं बाई हिज फादर लगाया जाए कि नहीं तो बाई हिज नहीं बाई हिज फादर नहीं लगा होगा तो संदेश का तो भाव ही नहीं क्लियर हो सकता भाव ही नहीं क्लियर हो सकता। एक बार हम बाई हिम को हटा करके देखते हैं देखो इसका अगर इसको हटा दोगे तो मामला बस जाएगा ठीक है ना हटा के पहले इसको हटा के देखो हमारे द्वारा उसे सूचित कर दिया गया कि वह जमीन उसके द्वारा जमीन नहीं बेची जा सकती है क्योंकि वह पहले से ही बेच दी गई है किसके द्वारा अरे उसके बाप के द्वारा इसका मतलब इनकम्प्लीट हो गया यानी ये ओके लगेगा लगेगा अच्छा उसको ड्राप कर देते हैं भाई हिम को हमारे द्वारा उसे सूचित कर दिया गया कि उसके द्वारा देखो उसके द्वारा अब हम हटा दे रहे हैं तो हमारे द्वारा उसे सूचित कर दिया गया कि जमीन नहीं बेची जा सकती है क्योंकि उसके पिताजी द्वारा उसे पहले ही बेच दी गई। अरे यार दोनों जगह लगाना जरूरी है यानी ओके जबकि कल वाले क्लास में ऐसा नहीं था नहीं जी बहुत खतरनाक चीज है दोनों ओके तो इस तरह से आप क्या करोगे करते जाना ट्रांसलेशन करके देख लेना अनावश्यक है तो हटा देना कल वाले क्लास में ऐसा था तो मैंने हटा दिया था तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा अरे प्रिंसिपल क्लास प्लस नाउन क्लास प्लस एडवर्ब क्लास अब एडवर्ब क्लास कितने तरह के होते हैं एडवर्ब क्लास आप टाइम होता है एडवर्ब क्लास आप प्लेस होता है मैनर होता है रीजन होता है कंट्रास्ट होता है कंप्रीजन होता है भैया तमाम होते हैं तो क्लास पढ़ोगे ना तब क्लियर हो पाएगा ठीक है रीजन था तो अगले क्लास तक के लिए क्या टाटा टाटा बाय बाय टाटा नहीं जी टाटा बाय बाय थैंक यू चलो करे यार।